সরকারের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদে প্রধান উপদেষ্টা পদের কর্তব্য বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব। बांग्लादेश में तख्ता पलट के 72 घंटे बाद अंतरिम सरकार बनी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या अब हिंदू सुरक्षित होंगे? नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में नई सरकार ने कमान संभाली, लेकिन सवाल फिर वही, क्या हिंदुओं पर हमले रोकेंगे? पेशे से अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार की कमान तो संभाल ली, लेकिन बांग्लादेश के प्रमुख का ये पद कांटों भरे ताज से कम नहीं है, क्योंकि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद भी बांग्लादेश में हालात संभालने की बजाय और बिगड़ गए। हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, पूर्व सेना अधिकारियों के घरों को जलाया जा रहा है, आंदोलन के नाम पर अब भी लूट हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया को बधाई देने के साथ ही उन चुनौतियों से निपटने के लिए भी कहा जिन चुनौतियों से बांग्लादेश फिलहाल गुजर रहा है। पीएम ने एक्स पर पोस्ट के जरिए लिखा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारियां संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति में जल्द से जल्द वापसी की उम्मीद करते हैं। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। अंतरिम सरकार के मुखिया का पद संभालने के बाद मोहम्मद यूनुस ने अपनी प्राथमिकताएं बताई और दावा किया कि हिंदुओं पर हो रहे हमलों का आंदोलन से कोई नाता नहीं है। এর মধ্যে আমরা শুনলাম, আসার পথে শুনে আসছি যে এখানে আইন শৃঙ্খলার ব্যাঘাত হচ্ছে, মানুষ মানুষকে আক্রমণ করছে, ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে, সম্পদ জ্বালিয়ে নষ্ট করছে, চুরি করছে, দিয়ে যাচ্ছে, অফিস আদালতে আক্রমণ করছে, সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ করছে, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান আমেরিয়া সবার উপর আক্রমণ করছে। এগুলো হলো ষড়যন্ত্রের অংশ, এগুলো আমাদের বিষয় না, আমাদের কাজ হলো এটাকে রক্ষা করা। मोहम्मद यूनुस चाहे जो दावा करें, हिंदुओं पर हमले के पीछे की वजह चाहे जो गिनाए, लेकिन सच ये है कि फिलहाल बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है और हिंदुओं की सुरक्षा का जिम्मा देश की सरकार के ऊपर है। लेकिन फिलहाल हालात क्या हैं? अब जरा वो देखिए। ये बांग्लादेश के नोआखली का वीडियो है। वीडियो में कुछ कट्टरपंथी एक हिंदू लड़की को अगवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10 से 12 लोग लड़की को जबरन कार में उठाकर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में जब शिकायत हुई तो कई घंटों बाद जाकर सेना ने इस हिंदू लड़की को कट्टरपंथियों के चंगुल से छुड़ाया। भारत को बांग्लादेश से जोड़ने वाले कई बॉर्डरों पर अब भी सैकड़ों की संख्या में हिंदू परिवार मदद के इंतजार में टकटकी लगाए बैठे हैं। न्यूज 18 इंडिया की टीम बॉर्डर इलाके में पहुंची, बॉर्डर के इलाकों में स्थिति समझने की कोशिश की। बांग्लादेश में किस तरीके से तनाव जारी है, इन सब के बीच में न्यूज 18 इंडिया देश का ऐसा पहला चैनल जो आपको लेकर आया है उस नदी के किनारे जो नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा को बांटती है, यानी कि पद्मा नदी है। और मेरी मौजूदगी देखिए उसी पद्मा नदी में है। अब मेरे नाविक हैं, उन्होंने नाव को बंद कर दिया है क्योंकि ये वो यहाँ से मोड़ लोगे। हाँ, ये भारत है जितने में उनकी नाव आपको दिखाई दे रही है, ये जितना एरिया आपको दिखाई दे रहा है, वो लोग दिखाई दे रहे हैं, निजाम दिखाइए जरा, ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं ना, वहाँ जूट के ये खेती करते हुए, वहीं तक भारत की सीमा है। और वो फ्लैग दिखाइए जरा, वहां से ये जो ये हिस्सा बट गया ना, ये दो फ्लैग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बांग्लादेश की सीमा जो है शुरू हो गई। इसीलिए मेरे नाविक ने यहीं से नाव को अपनी मोड़ लिया। जरा इधर आइए भैया, सीमांता है इधर, हमारा जो झंडा है, ये झंडा का ऊपर वो नीला वाला झंडा, नील वाला झंडा वाला उधर बांग्लादेश है। हाँ। और इसका हमारा इंडिया है। अभी ऐसा हुआ है उधर की तरफ पहुंच गए हो, ये पता रहता है कि इधर? हाँ, पता लगता है, पता रहता हमारा जमीन का, वो इंडिया का उधर है। हाँ। इंडिया का इधर है। हाँ। वो साइड में पूरे बांग्लादेश है। अच्छा, और आना जाना किसी का हो पाता है? किसी का नहीं, बीएसएफ निगरानी रखती है, बीएसएफ पूरा निगरानी रखती है। कभी ऐसा तो नहीं हुआ गलती से नाविक उधर पहुंच गया? नहीं, उसको नहीं, कभी नहीं हुआ। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है, बीएसएफ लगातार निगरानी कर रही है। थोड़ा घूमिए,
वो बीएसएफ का पॉइंट है और वो सारी हमारी नाव है। देखिए ये सारी की सारी हमारी नाव है जिन पर आप भारत का झंडा देख पा रहे होंगे और ये अब मैं भारत की तरफ बढ़ रही हूँ। बांग्लादेश में क्राइसिस के बीच जो छात्र वापस हिंदुस्तान लौटे हैं उनसे सुनिए कि फिलहाल बांग्लादेश के शहरों में क्या हालात हैं। कि वहाँ पर नेटवर्क शट डाउन कर दिया था, पेरेंट्स से कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, बात नहीं हो पा रही थी। कब आई वहाँ से? हम 23 को निकले थे, 25 को हम वापस मतलब अपने घर आ गए थे। बांग्लादेश में चुनौती बड़ी है, सरकार पर जिम्मेदारी बड़ी है, लिहाजा अब अंतरिम सरकार से उम्मीद यही है कि हालात जल्द ही सामान्य होंगे।